साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे उर्दू जबान की तीसरी किताब का सबक नंबर 3। साथियों आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, रेशम। देखिए रेशम के बारे में पढ़ना है आज हमें कि रेशम एक कीड़े के मैदे का लुआब है। ठीक है, हजरत अली का भी कौल है कि तुम किस दुनिया पे फख्र करते हो जिसका सबसे कीमती मशरूम एक मक्खी का थूक और जिसका सबसे कीमती कपड़ा रेशम एक कीड़े का थूक। तो यहाँ पे उसी के बारे में पढ़ेंगे। इस कीड़े को गर्म पीले पीला कहते हैं। वे बहुत होशियार और एहतियात से शहतूत के दरख्तों पर पाला जाता था है। सब उसकी पत्तियां खाकर खूब मोटा ताजा हो जाता है, तो उसके मुंह से एक महीन तार निकलने लगता है। इस अब गर्म पीले पत्ते पर घर बनाना चाहता है, इसलिए अपने मुंह से तार बुनना शुरू करता है और अपने तारों के ताने बाने में खुद पोशीदा हो जाता है, मगर अंदर ही अंदर अपना काम जारी रखता है, यहाँ तक कि वह फाख्ते के अंडे के बराबर हो जाता है। इस गोल चीज को रेशम के कोया कहते हैं, जिसके अंदर कीड़ा मर जाता है और जो उसके घर था वही उसका मकबरा बन जाता है। लेकिन कभी कीड़ा सही सलामत भी निकलता है। जब वो जिंदा रहता है तो बरदार बनकर कोए की काट के बाहर आता है। इस सूरत में कोया न तारा हो जाता है और उसका रेशम नहीं बनता। कोए का अव्वल गर्म पानी में जोश देते हैं, फिर चरखी में ऊट लेते हैं, वही रेशम कहलाता है। इसी के तारों से उम्दा नफीस और बेश कीमत रेजे तैयार होते हैं। उतलुस, गुलबंद, कनाओ, वीर वगैरह रेशम ही से बने जाते हैं, जो अमीर रईसों के लिबास में काम आते हैं। बंगाले में रेशम पैदा करने के कारखाने कई जगह हैं, लेकिन कदीम जमाने से चीन का रेशम मशहूर और मारूफ है। वहीं से दुनिया के दूर दराज हिस्सों में जाता है। किसी जमाने में रोम यानी इटली के बाशिंदे बड़े दौलतमंद और ऐश पसंद थे। नहायत रगबत और ख्वाहिश के साथ एशिया के मुल्कों से रेशम कपड़ा मंगाते और अपने पोशाकें बनाते थे। रोम के एक बादशाह को ख्याल आया, अगर ये बेशबहा चीज हमारे ही मुल्क में पैदा होने लगे तो बड़ी मुनाफत हासिल हो। इस मंसूबे को पूरा करने को शाह रूम ने दो कासिद चीन की तरफ रवाना किए। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने मकासिद हासिल किए, चंद कीड़े वहां से चुराए और एक बांस के लाठी में छुपाकर अपने मुल्क में लाए। कहते हैं उस वक्त से रूम में भी रेशम पैदा होने लगा। इसके बाद इसके अल्फाज मानी भी हम पढ़ लेते हैं। मैदा पेट ओज, लुआब थूक, कीड़ा पीला गरम पीला रेशम बनाने वाला कीड़ा, मकबरा कब्रिस्तान, नफीस उम्दा पाकीजा, मुनाफत फायदा, मंसूबा तजवीज तदबीर, कासिद एलजी सफीर, रेजा जर्रा टुकड़ा, उतलुस एक रेशमी कपड़े का नाम, कदीम पुराना, मारूफ मशहूर, बेशबा ज्यादा कीमती, ऐश पसंद आराम तलब। तो ये साथियों इसके अल्फाज मानी थे। उम्मीद है कि रेशम के बारे में आपको समझ में आएगा, हज़रत अली का भी कॉल समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों में शेयर करें। थैंक यू।